नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पे आप सामयिक विषयों पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वह है झुग्गी झोपड़ी में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, पेंसिल कॉपी रबड़ इत्यादि। हमारे इस चैनल पे सभी वीडियो इन्हीं सब जानकारियों पर आधारित विषय पर आप लोगों को अधिक जानकारी देते हैं और आप सब्सक्राइब करते हैं और लाभ लेते हैं इन चीज़ों का। आज का विषय है टेंशन। साथियों, आजकल चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तनाव चल रहा होता है। आइए कुछ आंकड़ों को देखते हैं। बच्चों के ऊपर होमवर्क का लोड, टीचर की डांट की टेंशन, मनपसंद गैजेट की खरीदारी के लिए पापा की परमिशन की टेंशन, दोस्तों के बीच नोकझोंक, खेल खेल में बात बिगड़ जाने और दोस्ती बनाए रखने की टेंशन, देर तक सोने, ना नहाने, यूं ही बिना बताए दोस्तों के साथ निकल जाने या ठीक से खाना न खाने, लंच न ख़त्म करने की वजह से मम्मी की डांट और तुरंत मूड ऑफ, परीक्षा की डेटशीट के बाद अच्छे अंकों को लाने का दबाव और आगे क्या होगा, कोई जॉब कर रहा है साथियों तो उसके ऊपर जॉब की टेंशन है। आजकल हर काम चुनौती भरा है और बढ़ते कंपटीशन के कारण सभी लोग दबाव में जीने को मजबूर हैं। आइए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। पहला विषय है यूं ही नहीं होता तनाव। कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, सभ्यता से पेश आना चाहिए, कोई डांट दे तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेशक हर बार ये संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी जो समझदार लोग हैं जिनके पास अनुभव है वो स्थिति से निपटना अच्छी तरह जानते हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है, पर ऐसा नहीं होता और ये समस्या आपके लिए मुसीबत बन जाती है। 9वीं क्लास के एक स्टूडेंट कहते हैं, ऐसा नहीं है, हम अपना बेस्ट नहीं देना चाहते, समझना मुश्किल है कि लोग हमसे आइडियल बनने की अपेक्षा क्यों करते हैं जबकि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बच्चों का कहना ठीक है क्योंकि उस उम्र के हिसाब से उनके अंदर तजुर्बा नहीं होता, लेकिन लोग इतनी अपेक्षाएं कर लेते हैं कि आगे चल के कुछ अच्छा और बड़ा ही करेगा तभी कल्याण होगा, जिसका दबाव बच्चों को झेलना पड़ता है। इस बारे में एक फेमस मनोचिकित्सक साइकोलॉजिस्ट विपुल रस्तोगी कहते हैं, अच्छा व्यवहार करने की सीख सही है, लेकिन जब छोटी छोटी बातों पर अच्छे बुरे का तमका मिलने लग जाए तो किशोर में तनाव होना स्वाभाविक है। इससे वो तुरंत रिएक्शन देते हैं और बात बिगड़ने लग जाती है। तनाव का कारण समझने पर ही समाधान मिल सकता है। अब साइकोलॉजिस्ट के कहने का ये मतलब है कि जब हर छोटी बड़ी बात को हम लोग अपनी जो उम्मीदें रखते हैं बच्चों के साथ, उम्र छोटी है, तजुर्बा कम है, समय और प्रॉपर गाइडेंस उन बच्चों को नहीं मिलती और उम्मीदें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जिसके अंडर में बच्चे आकर अच्छा रिज़ल्ट देना और अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, इस चीज़ का दबाव हल्का नहीं है, सोचने वाली बात है। आजकल एक समस्या और बच्चों के अंदर आ रही है, मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि सिर्फ आप ही नहीं, हमारे घर के बच्चे नहीं, हर जगह के बच्चे आजकल वीडियो गेम्स मोबाइल वगैरह से चिपके रहते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल मेडिसिन के मुताबिक वे बच्चे जो दिन में 5 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर गेम खेलते हैं, टैबलेट या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। वह पूरी तरह से सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप गौर करें, गैजेट का ज़्यादातर और लगातार इस्तेमाल आपके व्यवहार पर असर डालता है। आप गेम खेलने या कंप्यूटर के लगातार इस्तेमाल करने के कारण पहले जैसा सामान्य नहीं रह जाते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहना भी संभव नहीं है, लेकिन जब यह हावी होने लग जाए तो सचेत होने की समझदारी है। तो मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा जो अपने बच्चों के टाइम पास के लिए, छुटकारा लेने के लिए उन्हें मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं कि लो बेटा खेलो, और बच्चे लगातार दिन में जब भी मौका पाते हैं तो या तो टीवी देखते हैं या तो मोबाइल फ़ोन के साथ खेलते हैं, जिसके कारण उनको लत लग जाती है। तो इन बच्चों को ज़रूर समझाइए कि रिसर्च की बातें झूठी नहीं हो सकती, इसमें बड़े बड़े विद्वान शामिल होते हैं, करोड़ों डॉलर का खर्चा होता है तब जाकर ये बातें सच आती हैं। आइए कुछ आंकड़े और देखते हैं जो आजकल खासकर हमारी भविष्य की पीढ़ी से जुड़े हैं। 8% होती है 13 से 17 साल के बच्चों की जो उम्र है, उसमें से 8% बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक विकार की आशंका रखते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के मुताबिक इसमें लड़के लड़कियों का अनुपात एक जैसा है, मतलब 8% बच्चे ऐसे हैं जो 13 से लेकर 17 साल के बीच में मानसिक विकार की शिकायत से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में साथियों में ध्यान रखने की ज़रूरत है और उन्हें अच्छे गाइडेंस को देने की ज़रूरत है। 15 से 24 साल के बच्चों के आंकड़ों को देखते हैं,
15 से 24 साल की उम्र के बीच के जो किशोर हैं वो आजकल कई तरह की मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। इसमें से डिप्रेशन से 7% लोग प्रभावित हैं, आत्महत्या के विचार से 6% और चिंता से लगभग 16% बच्चे ग्रस्त हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है साथियों कि 40% किशोर युवा ऐसे देश में हैं हमारे जिनमें आत्महत्या करने वालों में वो सबसे ज़्यादा हैं। और ये राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। कितनी हैरानी की बात है कि एक बच्चा पाने के लिए आदमी क्या नहीं करता, मंदिर मस्जिद की चौखटों को चूमता है, लेकिन आज का परिवेश, समय न मिल पाना, हम लोगों उन्हें समय नहीं दे पाते, अच्छी तरह गाइडेंस नहीं दे पाते, एक दोस्त की ज़रूरत है जो कि कमी खलती रहती है, जिसके कारण लगभग 40% युवा हमारे ऐसे हैं, आपके हमारे परिवार के सदस्य ऐसे हैं विश्व भर में की बात कर रहा हूँ, जिनके अंदर आत्महत्या करने की बातें दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर चलती रहती हैं। जैसा कि साथियों आपको पता है, बीच में एक ब्लू व्हेल नाम की गेम ने न जाने कितने बच्चों की जान ली। माँ बाप अपने बिजी शेड्यूल के कारण परेशान रहते थे और बच्चे क्या गेम खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, उसके बारे में उन्हें बहुत अधिक जानकारी नहीं होती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि हज़ारों बच्चों ने ब्लू व्हेल गेम खेलकर जान दी। हैरानी की बात यह है कि बच्चे हमारे घर में हमारे बीच में ही रहते हैं और वो लोग क्या कर रहे होते हैं उसके बारे में हमें ही जानकारी नहीं होती। पैसा कमाना अच्छी बात है, इतनी व्यस्तता होने के कारण, क्योंकि समय तो आपको देना ही पड़ेगा, कई बार मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि ज़रूरत तो पूरी हो सकती है लेकिन लालच पूरा नहीं। देयर इज़ एवरीथिंग फॉर द नीड बट नथिंग फॉर ग्रीड। तो ये विषय सोचनी है। 13.5 यानी 14% किशोर ऐसे हैं शहरी क्षेत्रों में जो मानसिक विकार के शिकार हैं। यह संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग दूनी है। कहने को साथियों शहर तरक्की का प्रतीक है, यहाँ पे लोग तरक्की करते हैं, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि गांव के जो लड़के हैं वो इतने तनावग्रस्त या चिंताग्रस्त नहीं होते, जबकि शहरी लड़कों पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है, नौकरी पाने का, रिजल्ट पाने का, किसी इंटरव्यू को क्लियर करने का या किसी टेस्ट को पास करने का, कि 14% बच्चे जो है वो तनाव से गुजर रहे होते हैं और वो जो है मानसिक अवसाद से ग्रस्त होते हैं, और शहर में गांव के मुकाबले इसकी संख्या दुगनी है। 2014 में देश में कुल 131,666 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से करीबन 40% 1400 से 30 साल के आयु वर्ग के बच्चे थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2014 की बात कर रहा हूं मैं, 131,666 यानी 131,666 बच्चे थे जिन्होंने इन सब दबावों के चलते जो है आत्महत्या की, और इनकी उम्र सिर्फ 14 से 30 साल के बीच में थी। तो साथियों कोशिश ऐसा करिए कि परीक्षाएं सर पे हैं, बहुत ज़रूरी काम होते हैं, बेहतर करने का सभी के ऊपर दबाव होता है, रोज़मर्रा के काम और रिश्तों के बीच में संतुलन बनाना भी आसान नहीं है, ऐसे में कुछ नहीं सूझता और हावी हो जाता है तनाव। तो साथियों इससे निपटने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे या आप अगर किन्हीं लक्षणों से गुज़र रहे हैं तो आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप बड़ों से सलाह लें, अपनी हर समस्या को बड़ों के बीच में, अपने परिवार के बीच में शेयर करें ताकि उसका कोई सोल्यूशन निकल जाए। नहीं तो अगर आप ये संख्या देखें, 131,666 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, वो किसी के घर का चिराग थे, बहुतों की उम्मीदें थी, किसी के इकलौते बच्चे होंगे, और कितनी मेहनत से हम, आप जानते ही हैं कि बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कभी ये देश का भविष्य बनेगा। इस वीडियो को आप बार बार सुनिए और इससे प्राप्त आंकड़ों को आप अपने बच्चों को दिखाएं। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जल्द ही मिलता हूँ आपके साथ अन्य विषयों के साथ। और प्रयास यही है कि अगर किसी का भी भला हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।